सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे तीन बेस्ट ऐसे कैमरा ऐप्स के बारे में जिन्हें आप यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ में इस वीडियो के एंड में एक ऐसे कैमरा ऐप के बारे में है जिसके कुछ एक्सेप्शनल फीचर्स हैं जो सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तीसरे नंबर पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो है प्रोकैम एक्स। अब ये जो ऐप है इसके दो वर्जन आते हैं, एक प्रोकैम एक्स और दूसरा प्रोकैम एक्स लाइट। जो प्रोकैम एक्स लाइट है वो फ्री वर्जन है, इसमें आपको कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं। बट अगर आप यूज़ करते हैं कोई मॉडर्न वर्जन प्रोकैम एक्स का तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, वो भी फ्री में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कैमरा ऐप आपको सारे मैनुअल फीचर्स देता है जो आप एक DSLR में यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ में आपको अपर्चर सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है जो कि अवेलेबल है सिर्फ हाई एंड फ्लैगशिप फोन्स में। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस बनाया गया है वो बहुत ही ईजी है, तो इसको आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कैमरा ऐप में आपको HDR मोड प्रेजेंट मिलता है जिससे आप HDR इमेजेस को बहुत ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप अपने शटर स्पीड को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करें या आप यूज़ करें कोई फास्ट शटर स्पीड एज 1/500 और 1/1000 ऑफ अ सेकेंड। एडिशनल फीचर्स में आप वाइट बैलेंस कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो ISO है उसको भी वेरिएट कर सकते हैं। एडिशनली इसमें ऑन स्क्रीन हिस्टोग्राम भी प्रेजेंट है जिसे आप टर्न ऑन करके अपने हाईलाइट्स और शेडोज को हिस्टोग्राम की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात रही आपकी फोटोग्राफी की। अब इस ऐप में वीडियोग्राफी के भी पर्पस से बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे आप अपने ISO को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको कस्टम वाइट बैलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप वीडियो शूट करते टाइम बिटरेट का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम बिटरेट यूज़ करके आप हाई एंड वीडियोस प्रोड्यूस कर सकते हैं इस कैमरा ऐप के थ्रू। तो ये फीचर्स रहे प्रोकैम एक्स के। अब बात करते हैं हमारी सेकंड एप्लीकेशन की जो है Lightroom। इट्स क्वाइट शॉकिंग कि जो Lightroom कैमरा ऐप है वो फर्स्ट पे ना होके सेकंड पे है। इसके पीछे जो रीजंस है वो मैं अभी आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं Lightroom के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। एज जो Lightroom का इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इसी के साथ में आप इसमें अपनी जो कस्टम सेटिंग्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फोकस हो, ISO हो, शटर स्पीड हो या वाइट बैलेंस हो। एज Lightroom वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस है। इसके साथ में जो इसमें एडिशनल फीचर्स हैं उसमें ऐड आती है एक फिल्टर्स की। आप अपने मैनुअल फीचर्स के साथ में इसमें इनबिल्ट फिल्टर्स के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो फोटो होगी वो बहुत ही एस्थेटिक लग सकती है। तो इसमें आपको मल्टीपल ग्रिड के ऑप्शन मिलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी कंपोजिशन इम्प्रूव करने में। अब बात करते हैं कि इसको सेकंड पे रखने के क्या पर्पसेस हैं। पहला, इसमें आपको वीडियो शूटिंग का ऑप्शंस नहीं मिलते हैं जो अदर मैनुअल एप्लीकेशंस में प्रेजेंट होते हैं, तो एक ये एक बड़ा ड्रॉबैक है Lightroom ऐप के लिए। एडिशनल ड्रॉबैक्स में मैं इसकी साइज़ को ज़रूर रखूँगा क्योंकि Lightroom कैमरा ऐप एक बड़ा एप्लीकेशन है जो आपके स्टोरेज में एक बड़ा हिस्सा कंज्यूम करता है। इसी के साथ में एक ड्रॉबैक और भी आता है कि अगर आपके पास 3 या 4 साल पुराना जो डिवाइस है उसमें ये वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये लो एंड डिवाइसेस में काम नहीं करता है। तो लास्ट ऐप पे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड एप्लीकेशंस के बारे में जिसका फीचर्स Lightroom से ज़्यादा है और इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शनल फीचर्स हैं जो बहुत ही हाई एंड डिवाइसेस में प्रेजेंट होते हैं। एज हम कह सकते हैं कि वो एक फ्लैगशिप फोन्स में ही प्रेजेंट होते हैं, बट इस कैमरा ऐप की मदद से आप अपने लो एंड डिवाइसेस में भी उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमारी कैमरा ऐप है उसका नाम है मोमेंट कैमरा ऐप। एज मोमेंट कैमरा ऐप में जो फीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल हैं। तो इसमें जो कस्टम लेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो बहुत ही हाई एंड डिवाइसेस में प्रेजेंट हैं जैसे गूगल पिक्सल्स, लेकिन इस कैमरा ऐप को यूज़ करके आप उन फीचर्स को अपने लो एंड डिवाइसेस में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जस्ट अपने एक्सटर्नल लेंस को अटैच करना है और जो लेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसी लेंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, तो आपके लेंस का जो बेस्ट आउटपुट होगा वो आप अचीव कर सकते हैं बहुत ईजिली। इस कैमरा ऐप में एक एडिशनल फीचर और भी है जो है फोकस स्पीकिंग का। अब फोकस स्पीकिंग क्या होता है, इसमें
आपकी जो कैमरा ऐप है वो आपकी शार्प एजेस को हाईलाइट कर देता है जब भी आप यूज़ कर रहे हैं मैनुअल फोकस। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस कैमरा ऐप का। इसी के साथ में इसमें हाईलाइट और शेडो क्लिपिंग भी है, जो आपके इमेज में अगर ओवर एक्सपोज हाईलाइट हैं या ओवर एक्सपोज शेडोज हैं तो उनको वो रेड और ब्लू स्ट्रिप में शो कर देता है, जो एक हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन में ही प्रेजेंट होता है। तो ये फीचर्स इस कैमरा ऐप के बहुत ही एक्सेप्शनल फीचर्स हैं एज पर माई व्यूज़। ये बात रही फोटोग्राफी, अब बात करते हैं वीडियोग्राफी के पर्पज़ से ये कैमरा ऐप कैसा है। तो इस कैमरा ऐप में आप क्वालिटी के साथ में अपने FPS को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑन स्क्रीन हिस्टोग्राम में आपको कई मोड्स मिलते हैं, चाहे आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल हिस्टोग्राम जो आपको शेडोज और हाईलाइट्स की रीडिंग देता है, इसी के साथ में आप RGB हिस्टोग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में ऑन स्क्रीन डेसिबल मीटर भी प्रेजेंट होता है। तो इस फीचर का यूज़ करके आप अपने वीडियोस में प्रोड्यूस होने वाले साउंड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे ऐप्स जिन्हें मैंने कैटेगराइज किया है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के पर्पज़ से। सो कमेंट में मुझे ज़रूर मैंशन करें कि आपका बेस्ट कैमरा ऐप कौन सा है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।